नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 22 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज को लेकर दो बहुत ही बड़ी खुशखबरियां निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ LPL यानी लंका प्रीमियर लीग 2020 को एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा झटका लग गया है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया जीरो सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ा हर एक छोटा मोटा अपडेट सबसे पहले देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज को लेकर। मैंने आप सभी को बताया था कि फिलहाल भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में 10 मैचों की बहुत ही शानदार और बड़ी सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 वनडे 3 T20 और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर निकल कर आ रही है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा साफ कर दिया है कि ये जो सीरीज होने वाली है, इस सीरीज के चाहे वनडे मैच हो, चाहे T20 मैच हो, चाहे टेस्ट मैच हो, हमें यहां पर डेफिनेटली ऑडियंस देखने को मिलने वाली है। 50% ऑडियंस को यहां पर अलाउ किया गया है। टिकटें यहां पर पूरी तरह से वनडे और T20 सीरीज की बिक चुकी है। इस चीज की खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं फाइनली अब हमें यहां पर क्रिकेट दर्शकों के साथ दोबारा से देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज की टेलीकास्टिंग को लेकर। जी हां, लाइव टेलीकास्टिंग में हमें यहां पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मैंने आप सभी को बताया था कि भारत में इस सीरीज को सोनी टीवी टेलीकास्ट करने वाला है, जहां पर सोनी 10-1 पर इंग्लिश कमेंट्री में मैच लाइव आने वाले हैं, सोनी 10-3 पर हिंदी कमेंट्री में लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है। मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप सोनी लाइव ऐप पर लाइव देख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो बड़ा बदलाव हुआ है वो है फ्री डिश के डीडी नेशनल चैनल को लेकर हुआ है। हालांकि पहले रिपोर्ट्स ऐसी थी कि यहां पर डीडी नेशनल चैनल पर हमें वनडे T20 और टेस्ट तीनों ही सीरीज की टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली, लेकिन अब यहां पर ऐसा साफ कर दिया कि टेस्ट सीरीज को डीडी नेशनल पर लाइव नहीं किया जाएगा, केवल वनडे और T20 सीरीज के सभी मैच हमें डीडी नेशनल चैनल पर भी देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है रोहित शर्मा को लेकर। रोहित शर्मा फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। जी हां, उन्होंने ऐसा साफ कर दिया है कि जिस इंजरी का वो शिकार थे, हैमस्ट्रिंग इंजरी का वो शिकार थे, उसे वो पूरी तरह से 100% फिलहाल रिकवर हो चुके हैं और भारत के लिए खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा को यहां पर भारत की वनडे और T20 टीम से रेस्ट पर रखा गया है, जिससे रोहित शर्मा हमें काफी ज्यादा निराश भी, काफी ज्यादा नाराज भी दिखाई दिए थे, लेकिन फाइनली वो अपनी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं और टेस्ट सीरीज में हमें धमाल करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है IPL 2021 को लेकर। IPL 2021 में हमें एक बहुत ही जबरदस्त और नया नियम देखने को मिल सकता है। अगर यहां पर IPL 2021 में 9 या 10 टीमें पार्टिसिपेट करती है, तो जिस तरह से बिग बैश लीग में 5 टीमें प्लेऑफ में जाती है, उसी तरह से वही सिनेरियो हमें IPL में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर बिग बैश लीग की तरह IPL के सेमीफाइनल्स में यानी IPL के प्लेऑफ में 5 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी। और यहां पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमें IPL 2021 के दौरान देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है LPL यानी लंका प्रीमियर लीग 2020 को लेकर। इस लीग को लगातार झटके पर झटके लगते हुए जा रहे हैं। पहले काफी सारे खिलाड़ियों ने इस लीग में खेलने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद यहां पर 2 खिलाड़ी जो LPL 2020 में पार्टिसिपेट करने के लिए श्रीलंका जा चुके थे, वहां जाने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं, जिस
लिस्ट में पहले नंबर पर है पाकिस्तान के गेंदबाज सोहेल तनवीर, इनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ ये श्रीलंका में जाने के बाद कोविड 19 पॉजिटिव मिले, उनके अलावा यहाँ पर कैनेडा के रविंदर पॉल सिंह भी यहाँ पर कोविड 19 पॉजिटिव मिले हैं, और यहाँ पर उनको भी जो फर्स्ट राउंड होने वाला है उससे बाहर रखा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है किंग्स इलेवन पंजाब के ओनर को लेकर। जी हाँ, किंग्स इलेवन पंजाब के को ओनर नेस वाडिया ने आज एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर आईपीएल 2021 में नो टीमें पार्टिसिपेट करती है तो किंग्स इलेवन पंजाब उस टीम का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सभी को पता है कि पिछले साल भी यही सिनेरियो हुआ था, जिस वक्त पर बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजियों से इन चीजों के बारे में पूछा तो वहां पर सभी फ्रेंचाइजिया नई टीमों को लाने के लिए साफ साफ इनकार कर रही थी, लेकिन पंजाब की टीम अब यहां पर पूरी तरह से एग्री है, नई टीम का वेलकम कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके अलावा यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट भी नई टीमों का डेब्यू कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अगर यहां पर आईपीएल 2021 में नई टीमें पार्टिसिपेट करती है तो हमें डेफिनेटली यहां पर मेगा ऑक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर। जी हां, काफी सारे लोगों के जहन में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एंट्री रशल को रिलीज कर देगी। काफी सारे लोगों ने मेरे पास डीएम भी किए थे, तो आप सभी को पता है कि आईपीएल 2020 इस खिलाड़ी के लिए कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चाहकर भी यह गलती नहीं करेगी, उनको हर हालत में रिटेन करेगी, उनको ऑक्शंस में रिलीज नहीं करेगी। हालांकि यहां पर केकेआर का एक नया प्लान भी हो सकता है, हो सकता है कि वो आरटीएम कार्ड के जरिए ऑक्शन चीन को दोबारा से शामिल कर ले, लेकिन अगर यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एंट्री रशल को आईपीएल 2021 मेगा ऑक्शंस के लिए रिलीज कर देती है तो यहां पर उनके ऊपर 12 13 15 करोड़ तक की बहुत ही बड़ी बोली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पिछला आईपीएल खेला गया था आईपीएल 2019 हुआ था वो यहां पर पूरी तरह से एंट्री रशल पर डिपेंडेंट थी उस टाइम पर टीम, और उस टाइम पर बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करते थे। हालांकि आईपीएल 2020 में हमें एंट्री रशल की तरफ से कुछ खास गेंदबाजी देखने को नहीं मिली, बल्लेबाजी में भी उनके वो पुराने वाले तौर दिखाई नहीं दिए, लेकिन यहां पर केकेआर की टीम फील्ड भी उनको किसी भी हालत में यहां पर रिलीज नहीं करना चाहेगी, उनको यहां पर रिटेन ही करने वाली है। तो दोस्तों, ये है आज 22 नवंबर 2020 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।